कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपने मामा चिकित्सा नादी परीक्षा का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम् नमस्कार सभी को, गुड इवनिंग टू ऑल। आज के इस सत्र में जैसे कि आप सभी ने सजेस्ट किया था, उसी प्रकार से आज हम लोग डिस्कस करते हैं वजनल डिस्चार्ज के बारे में या योनिस्त्राव के बारे में, जिसको हम श्वेत प्रदर भी कह सकते हैं। योनिस्त्राव बहुत ही अलग अलग प्रकार से होता है, यानी हम मैं उसको आपको हर कंडीशन में बताऊंगी। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि आयुर्वेदीय स्त्री रोगों में कई बार कुछ वैधियों का मतलब डायरेक्ट उल्लेख नहीं आता है, जैसे श्वेत पदर ये भी कई बार एक वैधि के रूप में उल्लेख नहीं किया गया है, बट फिर भी सामान्य रूप से देखा जाए तो 80% महिलाओं को ये बाधित करता है और ये बहुत ही एक मेजर इश्यू होता है। स्त्रियों के अलग अलग आयु में इस प्रकार का डिस्चार्ज होना ये नॉर्मल भी होता है। कई बार मेंस्ट्रुएशन के पहले, बाद में, गर्भावस्था में या मेनोपॉज में इस प्रकार का डिस्चार्ज होता है। वजाइनल डिस्चार्ज का वर्णन करते हुए आयुर्वेदीय आचार्यों ने इसका जो सिमिलरिटी है कफज योनि व्यापक के साथ किया है, तो इसमें कफदोष दुष्ट होता है मुख्य रूप से। तो चलिए आज मैं आपको डिटेल में यहाँ पर समझा दूंगी कि किस प्रकार से हम इसमें विचार करें और क्या है ये, किस प्रकार से इसके ट्रीटमेंट की जाती है और अलग अलग अवस्था में। सबसे पहले तो थोड़ा मेरे विचार से इसको हम लोग समझ लेंगे कि ये देखिए जैसे हर ऑर्गन का एक सिक्रेशन होता है। आप चेहरे से शुरू करिए, शीर से शुरू करिए, हमारे मस्तिष्क में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, CSF इज दैट, आंखों में, कान में, जीवा पर देयर इज अ सलाइवा, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में पूरी तरह से अलग अलग प्रकार के म्यूकस सिक्रेशंस होते हैं, गैस्ट्रिक जूसेस है, अलग अलग टाइप के। तो हर ऑर्गन का एक सिक्रेशन होना, उसके यहाँ का जो एक फिजियोलॉजिकल ये होता है ना, फंक्शन होता है, उसके लिए जरूरी है। और इसी प्रकार से वजाइनल यानी अपत्य पथ और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी इसी प्रकार का थोड़ा सा नॉर्मल सिक्रेशन होना, स्त्राव के रूप में आप इसको स्त्री शुक्र भी कह सकते हैं, क्योंकि स्त्री शुक्र की आयुर्वेद की कल्पना बहुत अलग तरीके से है। आयुर्वेद में आचार्य बताते हैं कि स्त्रियों का जो शुक्र है वो गर्भ उत्पत्ति के लिए मुख्य रूप से कार्य नहीं करता है, वहां पे आर्तो रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर शुक्र धातु तो शरीर में है, फिर वो क्या काम करता है? जैसे यहाँ उदाहरण बहुत ही अच्छे से हमें मिल जाता है, जैसे दूध है, दूध के हर बूंद में घृत होता है बट वो दिखाई नहीं देता है, जब हम लोग दूध की प्रोसेसिंग करते हैं ना तब भी जाकर घी या घृत हमें मिल जाता है।
ऐसे ही मनुष्य शरीर में, देखिए मनुष्य शरीर में, स्त्री ना पुरुष, मनुष्य शरीर के हर हिस्से में, हर अंग अवयव में शुक्र धातु है जो रिप्रोडक्शन का काम करता है। एंड रिप्रोडक्शन मतलब केवल गर्भ का निर्माण या प्रजनन ऐसा नहीं है, सेल्युलर लेवल पर भी प्रजनन चलते रहता है, नया सेल बनता है और पुराना नाश हो जाता है। तो सेल्युलर लेवल का रिप्रोडक्शन ये भी शुक्र धातु का ही कार्य है। और जैसे मैं बता रही थी कि स्त्री शुक्र का ये कार्य यानी सेल्युलर लेवल का रिप्रोडक्शन है, और बाकी शुक्रम धैर्यम चवनम प्रीति हर्ष विचार, तो ये सारे कार्य भी कहीं ना कहीं ये शुक्र धातु के है, धारण करना। तो इसीलिए शुक्र धातु हर अंग अवयव में है और ये केवल गर्भ का निर्माण करता है, इसको ऐसे समझने की जरूरत नहीं। इसका एरिया बहुत वाइड है, मैं विस्तारित रूप से इसको पढ़ाऊंगी। आज जैसे हमारा विषय है कि स्त्रियों में या हमारे शरीर के हर एक अंग अवयव से एक विशिष्ट प्रकार का स्त्राव होना ये नॉर्मल होता है। तो देखिए अभी अगर हम लोग वजन डिस्चार्ज की श्वेत पदर की बात करेंगे तो ये किस किस डिफरेंट एज ग्रुप में किस प्रकार से हो सकता है। बिफोर प्यूबर्टी यानी लड़कियों में अगर प्यूबर्टी के पहले है तो ये अनहाइजीनिक कंडीशन के कारण हो सकता है, कभी कभी वर्म्स के कारण भी हो सकता है, थ्रेड वर्म, कभी कभी कुछ गनोरिया जैसे इन्फेक्शन के साथ भी डिस्चार्ज हो सकता है। अनमैरिड गर्ल्स आफ्टर प्यूबर्टी यानी प्यूबर्टी के बाद लड़कियों में भी डिस्चार्ज अगर हो रहा है, देखिए हमेशा से मैं आपको समझा रही हूँ कि शरीर में, स्त्रियों के शरीर में सारे जो एक्सटर्नल सोर्सेस है, एक्सटर्नल बहिर्मुख स्रोत है, मूत्र मार्ग, गुद मार्ग एंड अपथ्य मार्ग, ये तीनों बहुत क्लोजली रिलेटेड है, तो एक दूसरे का इन्फेक्शन बहुत जल्द फैल जाता है। तो अगर कॉन्स्टिपेशन भी है तो भी कई बार डिस्चार्ज हो सकता है। बैड हाइजीनिक कंडीशंस ड्यूरिंग मेंसेस और मतलब ऐसे भी यानी जैसे क्लॉथिंग है, आजकल टाइट कपड़े पहनने की फैशन है, जीन्स है या स्लैक्स है, और भी कई सारे लाइक क्लॉथ जो मटेरियल होना चाहिए प्रॉपर नहीं यूज करना है, फैंसी क्लॉथ का यूज करना, टेरिकॉट है, पॉलिस्टर है जो कि लाइक वहां का जो क्लेद है, घाम है, उसको ठीक से शोषित नहीं कर पा रहा होता, ये भी कारण है। बैड हाइजीनिक कंडीशंस, फिर लाइक एनीमिया, ये भी एक कारण बन जाता है, एनीमिया के कारण भी लड़कियों में ऐसे हो सकता है। एनी लॉन्ग कंटिन्यूड क्रॉनिक डिसीज जैसे कि कोई बुखार है, मलेरिया है, जॉन्डिस है, अगर कोई भी जीर्ण व्याधि है, ट्यूबरक्यूलोसिस हो, तो धातु क्षय होगा और धातु क्षय के साथ इस प्रकार से ये संभव हो पाता है। फिर कंजेनाइटल अगर कोई ये है, इरोजन है सर्विक्स का, तो अनमैरिड गर्ल्स आफ्टर प्यूबर्टी ये कारण हो सकते हैं। अभी मैरिड उमन इसमें क्या है, इसमें तो कई सारे कारण है, जैसे बैड हाइजीनिक कंडीशन इसमें भी होगा, अनेक सारे जो एसटीडी डिसीजेस है, गनोरिया एंड बाकी भी सारे जो है उपदंश वगैरह उनमें भी, या फिर कोई इन्फेक्शन ट्राइकोनोमस वजाइनाइटिस हो, एंड कभी कभी यूट्रस रिट्रोवर्जन हो जाना, और कभी कभी कैंसर, अभी कैंसर का तो थोड़ा एज के साथ जुड़ना चाहिए हमें, लाइक आफ्टर द एज ऑफ 40 या 60-45 से आजकल हो सकता है, बट ज्यादातर अगर लाइक इस प्रकार से देखेंगे तो वो अबाउ अराउंड द एज ऑफ 55-60 ज्यादा चांसेस होते हैं। एंड अगर आप कोई पेसरीज है, कॉपर्टी है, इसका प्रयोग लॉन्ग टर्म में कर रही है तो उसके कारण भी ल्यूकोरिया हो सकता है। कोई भी आघात जन्य स्थितियां, सर्विसाइटिस, इरोजन और एक्सेसिव रिपीटेड इंटरकोर्स एंड फिर बर्थ कंट्रोल के पिल्स लेना और ऐसे कई सारे मामले, इन्फेक्शन, फिर इन्फेक्शन में भी लाइक ट्राइकोमोनस, कैंडिड और बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वो फिर अलग लेवल पर हो सकता है, तो ऐसे सभी में ये हो सकता है। तो चलिए इसमें हम ये करेंगे कि किस प्रकार से लाइक आयुर्वेद क्या कहता है श्वेत पदर के निदान के बारे में, आयुर्वेद के कॉजेस क्या है ल्यूकोरिया के। आयुर्वेद ये कफज व्याधि मानता है, इसका सूत्र मैं पढ़ के बताती हूँ, गर्भिण्याधु श्लेष्मलाभ्यासम छद्दिनी श्वास निग्रहात वायुरु रुद्धरु योनिम उपनियम प्रदूषयेतम पांडु सदोतम स्त्रावम श्वेतम सवती वाकफम कफवातम व्यवक्ता सा स्यात् निरुपप्लुता। तो ये चरक का सूत्र है और योनि व्यापक जैसे उन्होंने अध्याय 30 में वर्णन किया है योनियोपद चिकित्सा, उसमें उन्होंने इस प्रकार से वर्णन किया है कि जैसे इसमें कोई भी कारण जिसके साथ कफ दोष बढ़ जाता है एंड कफ वृद्धि के साथ फिर वेगावरोध है, वात का प्रकोप भी इसमें होगा एंड अपान वायु की विकृति, फिर जिसके साथ जो अपान का क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र है, अपान अपानगत
बस्ती मेड गोचरहा, इन सभी ऑर्गन्स में दोषों का बैलेंस बिगड़ जाएगा एंड जो एक स्ट्रेंथ होती है वजनल रूप की अपत्य पथ की वो नहीं रह पाएगी एंड इसके साथ कफ दुष्टि, क्योंकि देखिए कफ खुद से कफ का गुण क्या है, स्निग्ध शीतो गुरूर मंदो श्वेत पिच्छिलता, एक कफ में है ऑलरेडी और अगर कफ बढ़ेगा कफ का प्रकोप होगा तो कहीं ना कहीं शरीर के सारे सिक्रेशन जहां जहां कफ जनित सिक्रेशन है, लाइक आप सलाइवा की बात करेंगे या आंखों का भी अगर कोई सिक्रेशन है या कहीं पर भी सिक्रेशन जो होगा आमाशय का क्लेदक कफ है, वो सारे जो दुष्ट कफ के लक्षण है यानी क्लेद मिश्रित है वहां पे कहीं ना कहीं कफ की पिछिलता स्टिकीनेस और स्थिरता गुरुता बढ़ जाएगी और यही सेम लक्षण यहाँ पर भी ये अपत्य पथ मार्ग से होगा और जिसके साथ हम लोग इसको कहेंगे श्वेत प्रदर। प्रदर दो प्रकार का है, रक्त प्रदर और श्वेत प्रदर। श्वेत प्रदर में सफेद पानी आना ये हम लोग इसमें देख सकते हैं। इसके साथ फिर एसोसिएटेड सिम्टम्स होते हैं, कभी पेन होता है, कभी थोड़ा बर्निंग है, थकान आती है, कॉन्स्टिपेशन है, इंडाइजेशन है और बिल्कुल इस प्रकार से इस की कंडीशन जो है ये उपप्लूता नाम का जो योनि व्यापक है इसको हम लोग इसमें देख सकते हैं। वैसे तो फिर श्वेत प्रदर का क्लासिफिकेशन अलग अलग रूप से भी किया गया है, वातज पित्तज कफज एंड सन्निपातज वगैरह इस प्रकार से भी माना गया है। इसमें अहित भोजन, रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन एंड रिपीटेड अबॉर्शंस है या फिर ओवर ईटिंग, लाइक आजकल देखते हैं हम लोग की घर में फ्रिज में सारा खान पान पड़ा होता है और बहुत ही ज्यादा गलत तरीके से फ्रोजन फूड मिष्टान्न और दुग्धान्न बेकरी केक पेस्ट्रीज बिस्किट्स और ये सारे मतलब बहुत ही खान पान में हो रहे हैं, दिन में सोना और फिर इंजरी है, वेट लिफ्टिंग है या धातु क्षय बहुत ज्यादा चलना, स्ट्रेस भी है बहुत ज्यादा, इसका बड़ा स्ट्रॉन्गली कारण होता है इमोशनल आउटबर्स्ट या इमोशनल इम्बैलेंस और स्ट्रेस एंड बिल्कुल इस प्रकार से फिर डाइजेशन अग्निमान दे, अग्निमान दे जाकर आम बना देगा, क्लेद बढ़ेगा शरीर का और फिर इसके साथ ये इसकी श्वेत प्रदर की संप्राप्ति बन जाती है जिसके साथ फिर आप एसोसिएटेड लक्षण भी अलग अलग इसमें हो सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से ये वजाइनल वाइट डिस्चार्ज यानी जो मैं बता रही हूँ इसमें जैसे वातिक अगर प्रदर है तो फिर लाइक डिस्चार्ज जो होगा थोड़ा अरुण वर्ण का और वात का जो रंग बताया गया ना रेडिश टाइप का फ्रोधी झागदार वगैरह होगा इसमें, कभी कभी इसमें फिर शूल भी होगा। पित्तश टाइप का अगर हम लोग इस श्वेत प्रदर की बात करेंगे थोड़ा सा गाढ़ा और पूय मिश्रित दुर्गंधी वाला स्त्राव हो सकता है, टाइप में थोड़ा सा लाइक स्लीमी एंड सफेदपन ज्यादा होगा। सन्निपातज में मिश्रित टाइप के लक्षण मिल सकते हैं। प्रदर यानी डिस्चार्ज अगर बहुत ज्यादा हो रहा है तो पेशेंट में गिडीनेस चक्कर का आना डिबिलिटी वगैरह ये सारी यहाँ पर लक्षण भी हमें दिख जाते हैं। तो बिल्कुल इस प्रकार से इसमें श्वेत प्रदर एक बहुत ही मतलब वाइड वाला यानी वाइड एंगल वाला डिसीज है, इसमें हम लोग कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे तो आप इसमें अलग अलग रूप से पेशेंट की हिस्ट्री लोकल एग्जामिनेशन करेंगे और उसको पूछेंगे किस प्रकार का पैटर्न है उनका, मतलब बर्निंग सेंसेशन है क्या, लो एब्डोमिन पेन है क्या, पिटिश्यूल है क्या, फाउल स्मेलिंग है क्या, वॉट एवर द इची यानी कुछ कंडू लक्षण है क्या, जो भी लाइक हमें पूरी तरीके से ये करना पड़ेगा कि क्या रूल आउट करने के लिए पूरी तरीके से सोचना पड़ेगा कि क्या इसमें हम लोग विचार कैसे करें। इन्वेस्टिगेशन क्या, मुझे लगता है इन्वेस्टिगेशन डिपेंड करते हैं, अगर कोई नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन अगर आप पूछेंगे तो अगर लड़की है तो आप इसमें सीबीसी करवाइएगा, मुझे नहीं लगता लड़कियों में बहुत ज्यादा कुछ, अगर लड़की सेक्सुअली एक्टिव है भले ही वो लाइक अनमैरिड है तो फिर उसमें हम लोग वीडीआर एचआईवी वगैरह भी कर सकते हैं और फिर आप नॉर्मल हिमेटोलॉजिकल में HB, TLC, DLC, ESR, routinely, सभी में करना है ये तो investigations। अगर elderly महिला है तो फिर हम लोग pap smear test करना बहुत ही important बन जाएगा। Above 40 की महिला है या 35 के भी ऊपर है तो pap smear जरूर करवाइएगा। फिर अगर आप कोई बायोप्सी उस जो secretion है उसकी अगर करना चाहते हो तो वो भी बहुत ही मतलब लाभदायी होगी। फिर यूरिन रूटीन करिएगा, माइक्रोस्कोपी करिएगा, है ना। तो एक ये आपका प्लान रहेगा, हम अष्टविध परीक्षा हमारा जो भी केस पेपर होता है उसके हिसाब से भी सारा इन्वेस्टिगेशंस करेंगे। बट अगर मॉडर्न इसकी बात करेंगे तो ये फिर अगर जरूरत पड़े कि कुछ कारण रूल आउट नहीं हो रहा है तो सर्वाइकल कल्चर भी आप कर सकते हैं, जो भी इन्वेस्टिगेशंस इसके लिए अवेलेबल है तो उसको आप लोग फॉलो करके इसका ये करिएगा, यानी लाइक हमें अच्छे से परीक्षण
हम लोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अभी ये हमने सारी इसकी पैथोलॉजी संप्राप्ति हमने यहाँ पे सारी समझ ली। श्वेत प्रदर ये क्या है, जिसमें कफ और वायु का ही विकृति है, इसमें बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ। तो हम इसमें दो प्रकार की चिकित्सा कर सकते हैं, एक तो अभ्यंतर चिकित्सा और दूसरी स्थानिक चिकित्सा। पहले अभ्यंतर चिकित्सा की बात करते हैं कि चिकित्सा का प्लान कैसे करें। मुझे लगता है चिकित्सा का प्लान हमारा दीपन पाचन से स्टार्ट होगा, क्योंकि जैसे इसमें हमने देखा कि कफ का प्रधानता है, कफ की प्रधानता है और अग्नि भी दुष्ट हो जाती है और कफ के साथ क्लेद और आम बन रहा है, तो आम का पाचन करना, और जैसे आर्तो ये रस धातु का उपधातु है, तो इसमें रस पाचन चिकित्सा का ही बहुत अच्छे से हमें ये करना होगा, उपयोग करना होगा और पेशेंट के सिम्टम्स भी ध्यान में रखने होंगे। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग रस पाचक से। आप इसमें आम पाचक वटी भी दे सकते हैं, जो भी अवेलेबल होगा उसमें हम लोग इसका उपयोग करेंगे। और फिर आप इसमें जैसे कि प्लान कर सकते हैं, विरेचन का प्लान कर सकते हैं, विरेचन के लिए अभिपत्ति का चूर्ण तिरुत, आप क्लासिकल विरेचन भी करें। विरेचन क्यों करना है ऐसे भी आपको लगेगा कि विरेचन का क्या रोल है। विरेचन ये केवल पित्त के लिए है ऐसा हम लोग सोचते हैं, बट ऐसा नहीं है। जो भी दुष्ट दोष है वो सभी प्रकार के पंचकर्मों की क्रिया से शरीर से बाहर चले जाते हैं। यानी आप बस्ती भी कर रहे तो तीनों दोषों पर काम होगा, वात के ऊपर थोड़ा ज्यादा होगा, पित्त का कम होगा, कफ के ऊपर थोड़ा कम होगा। और आप वमन कर रहे तो भी कफ पित्त की चिकित्सा होती ही है, और कई सारे व्याधि जैसे प्रमेह है, कुष्ठ है, जिसमें त्रिदोष संप्राप्ति होती है। हम लोग पेशेंट को हर 15 दिन के बाद एक एक शोधन प्रक्रिया करवाते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर आप विरेचन देना उचित रहेगा, ताकि जो भी दोष, यानी अगर पित्तजनित संप्राप्ति है, कई बार उपवस फॉर्मेशन और पूय मिश्रित भी अगर स्त्राव हो रहा है, तो यानी पाक बना है, कई सूजन का कारण है, वजाइनाइटिस टाइप का अगर लक्षण आपको मिल जाता है, तो यहाँ पर पित्तज संप्राप्ति, पित्तज गायनाकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तो पित्तज आर्तो दृष्टि है, तो इसमें आप इस प्रकार का विचार जरूर करें, विरेचन चिकित्सा दें। इसके साथ साथ दूसरा मेडिसिन क्या देना है, तो हम इसमें हरिद्रा खंड दे सकते हैं, क्योंकि हरिद्रा एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी वाला है। और इसके साथ आरोग्य वर्धिनी एंड चंद्र प्रभावर्ती। चंद्र प्रभावर्ती ओवरऑल ना केवल अपत्य पथ पर बट मूत्र व स्त्रोतस के लक्षणों के लिए भी लाभदायी होगी। जैसे हमने पढ़ा कि मूत्र मार्ग ये क्लोजली रिलेटेड है, तो एक दूसरे का इन्फेक्शन ना फैले इसके लिए भी चंद्र प्रभावर्ती बहुत अच्छे से काम करेगी। सो आप इसमें चंद्र प्रभावती, आरोग्य वर्धिनी और ये सारा मेडिसिन स्टार्ट करके हम लोग ट्रीटमेंट प्लान करेंगे। ये हमने 20 दिन का मानो कोर्स कर लिया। अभी ये चलाते चलाते अनमैरिड गर्ल है तो इसमें केवल हम लोग इसी प्लान के साथ चलेंगे, उसमें आप विरेचन करिएगा। अगर मैरिड वुमन है फिर उसके साथ हमें स्थानिक चिकित्सा का प्रयोग करना पड़ेगा। आपको मैं बताऊं कि हमारे पास इतने अद्भुत सारे कॉम्बिनेशन है। प्रदर रोग हमने कई बार इसका डिस्कशन किया है, योग रत्नाकर और तमाम सारे जो आचार्य है इसके लिए बहुत ही अच्छे से बताते हैं कि क्या बहुत ही अच्छे से जो मतलब अच्छे कल्प कौन से है इसमें, तो बहुत सुंदर तरीके से काम करने वाला पुष्यानुग चूर्ण है। पुष्यानुग चूर्ण ये मल्टीपर्पज यूज कर सकते हैं आप, लाइक हम लोग इसका प्रयोग इनफर्टिलिटी में भी करते हैं, इसका प्रयोग कई सारे तमाम सारे आर्तव स्त्रोत दृष्टि में इसका प्रयोग हमें अच्छा लाभदायी होता है। तो हम लोग यहाँ पर भी पुष्यानुग चूर्ण का प्रयोग जरूर करेंगे। पुष्यानुग चूर्ण तंडुलोदक के साथ सिंपल मैं बताऊंगी, पहले आप त्रिफला चूर्ण शहद के साथ, दूसरा कॉम्बिनेशन, देन आमला की चूर्ण शहद के साथ, तीसरा नेक्स्ट कॉम्बिनेशन इसमें, और फिर आगे का कॉम्बिनेशन इसमें हम लोग विचार करेंगे। तो लोध्र, अशोक और त्रिकटु, इन तीनों का आप मिक्सर बनाइएगा पुड़ी के रूप में और वहां पे इसका प्रयोग जरूर करवाइएगा। लोध्र, अशोक एंड त्रिकटु, लोध्र और अशोक दोनों भी थोड़े से स्तंभ गुण के हैं, कषाय गुण के हैं, तो वो थमन का काम करेंगे। कहीं ना कहीं जो एक क्लेद बड़ा है और सूजन आई है इसके लिए भी काम अच्छे से करेंगे। फिर आपके पास आता है दूसरा जो दारवैदी कषाय, दारवैदी कषाय यानी बर्बेरिस अरिस्टा, जो आपको रेडीमेड इसका काढ़ा मिल जाता है, जो श्वेत प्रदर की एक अद्भुत मेडिसिन है। आमलकी का जो भी फॉर्म अवेलेबल है, आमलकी का चूर्ण, आमलकी का काढ़ा बनाकर जो भी आप देना चाहे, शहद और मिश्री के साथ दीजिएगा, बेस्ट काम करेगा। जैसे मैंने लोध्र अशोक का आपको बताया कि आप इसका त्रिकटु के साथ प्रयोग कर सकते हैं, वैसे आप लोध्र का काढ़ा बनाकर या पेस्ट बनाकर भी यूज करिएगा, बिकॉज ये काफी अच्छे से काम करता है। आप इसमें वटर जटादि गण के सारे द्रव्य, लाइक उसमें वट आता है, निग्रोध आता है और लोध्र आता है, इसमें आप पेस्ट लोध्र के साथ निग्रोध आदि
का भी यूज कर सकते हैं। नेग्रोधा भी कषाय मार्केट में आपको रेडीमेड मिल जाता है 10 से 15 ml की डोज में, दिन में 2 बार आप कंटिन्यू करेगा 3 महीने तक, पेशेंट को बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। ये सारे जो मैं कल को बता रही हूँ आप अनमैरिड, मैरिड, एल्डरली सभी में कर सकते हैं। बस हमें अनमैरिड में लोकल चिकित्सा के लिए ये है, बाकी तो सारी ट्रीटमेंट वैसे सेम ही होती है, डोज थोड़ा सा विचार कर हमें कम ज्यादा करना पड़ेगा। फिर इसकी एक बहुत अद्भुत दवा जैसे आंवले की काम करती है वैसे नाग केशर को पेशेंट को छाछ पीने को दीजिएगा, एंड जैसे इस छाछ में सेंधो डालना है, आप जीरा पाउडर यानी हम लोग जैसे मट्ठा बनाते हैं ना, मसाला छाछ बनाते हैं, इस टाइप का आप इसको बनाकर दे सकते हैं। फिर छाछ के साथ चावल खाना, महाराष्ट्र में छाछ और चावल फेवरेट फूड होता है और आंध्र साउथ इंडिया में बहुत ही फेमस होता है, तो छाछ पीना और छाछ ये बेस्ट दवा है। और यहाँ पे ये बताया गया है कि चावल को पकाकर उसके साथ छाछ का 3 दिन तक आप प्रयोग करेगा, आपको अद्भुत रिजल्ट मिलेंगे। इसमें आप नागकेशर का चूर्ण डालिएगा, अगर आप नागकेशर भी नहीं लेना चाहते तो मेरे विचार से इसमें जीरा, सेंधा और धनिया ये भी आप आंवले के चूर्ण भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मतलब छाछ तो मसाला वाला भी बनता है ना, तो आप इसमें ऐसे भी बनाकर थोड़े मसाले डालेंगे, क्योंकि मसाला क्यों डालना है, जीरक भी कफ का शमन करेगा। आप अजवाइन डाल सकते हो इसमें, वो भी कफ का अच्छे से शमन करेगा। फिर एक इसमें आता है चक्रमद की जो मूली होती है, इसका आप उपयोग करें तंडुलोदक के साथ सवेरे मॉर्निंग टाइम पे आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, है ना, वो भी काफी अच्छे से ये काम करेगा। फिर मैंने बहुत अच्छे से और बहुत केसेस में यूज करवाया है पत्रांगास्त्र अशोकारिष्ट अद्भुत काम करता है, आप रक्तपद्र में भी यूज कर दोनों अशोक और पत्रांगास्त्र और रुद्रास्त्र भी, सभी प्रकार के प्रदर वातज पित्तज कफज श्वेत रक्त प्रदर तीनों में कॉम्बिनेशन करिएगा, जैसे अशोक पत्रांगास्त्र दोनों 10-10 ml दे सकते हैं। और लक्ष्मणारिष्ट बेस्ट काम करेगा आप तो वह स्त्रोत की विकृतियों में, बट लक्ष्मणारिष्ट का प्रयोग हम लोग ज्यादातर प्रदर में करते हैं और इनफर्टिलिटी में ज्यादा करते हैं, है ना। फिर इसके साथ साथ आप अगर कोई आपको घृत चाहिए, घृतपान करवाना है, जैसे मैंने विरेचन भी बताया, तो उसमें अशोक घृत का प्रयोग करवाइएगा। इसके साथ वट जटादि गण का जो भी घृत मिलेगा आपको, मरीचादि घृत भी काम करता है अच्छे से। एंड फिर नेग्रोध बेस्ट है, क्योंकि नेग्रोथ ये एक एंटीबैक्टीरिया प्रॉपर्टी वाला भी है, एंड नेग्रोथ कषाय गुण के साथ ना वहाँ लोकल भी काम करेगा, आप नेग्रोध आदि कषाय का धावन के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। और नेग्रोध आदि का घृत, नेग्रोथ अगर आपको घृत भी नहीं मिला तो नेग्रोथ का चूर्ण लीजिएगा और घर में ही घी सिद्ध बनाकर या फिर घी में मिलाकर भी आप खाने के लिए दे सकती है, बेस्ट आपको इसमें इसका लाभ मिलेगा। फिर एक अच्छी दवा दूसरी है कुकुटांड त्वक भस्म, आराम से मिल जाता है मार्केट में, 250 मिलीग्राम शहद के साथ इसका प्रयोग करना बिल्कुल। तो ऐसे कई सारे हमारे पास विकल्प है इस टाइप के लक्षण के लिए, डिस्चार्ज के लिए, बट हमें डिस्चार्ज क्या है, वातज है, पित्तज है, पूयज है, कफज है, इसका हमें यहाँ पे अभ्यास करना है, इसको हमें यहाँ पे करना है। फिर आगे बढ़ते हैं हम स्थानीय चिकित्सा की तरफ चलते हैं। आई थिंक वजाइनल डिस्चार्ज के साथ बहुत बार कफ अधिक बड़ा हुआ होता है तो कंडू भी लक्षण होता है, जैसे आपने भी पूछा कि कंडू के लिए क्या करें, कंडू भी इन सभी के साथ जुड़ा होता है। कंडू देखिए, कंडू 2 प्रकार का होता है, यानी 3 प्रकार का भी बोल सकते हैं आप, जैसे ड्राइनेस के कारण भी कंडू होता है और कफ के कारण भी कंडू होता है। ड्राइनेस के कारण कंडू कब होगा, आई थिंक ये मेनोपॉज में ज्यादा होगा, और जो जहां पर वातज प्रदर की संप्राप्ति यानी रुक्ष अन्नपान और चिंता शोक ऐसे लक्षण मिले, धातु क्षय जनित लक्षण मिले, वहां पर आप वातज श्वेत प्रदर का विचार कर सकती है, यानी वातज कंडू का। जहां पर कफज भोजन, मधुर स्निग्ध भोजन, आलस, दिवास्वाप ये लक्षण हेतु आपको मिल जाते हैं, वहां पर आप कफज कंडू और कफज प्रदर का विचार करें। तो इस प्रकार से कंडू अगर लक्षण हो तो इसमें लोकल चिकित्सा बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल हम इंटरनल मेडिसिन नहीं देंगे तो स्थानिक चिकित्सा करेंगे। तो स्थानिक चिकित्सा का स्त्री रोगों में सबसे पहला और सिंपल वाला जो पेशेंट घर के घर में कर सकती है वो है योनिधावन, वजाइनल डिश के लिए सिंपल हर घर में होती है त्रिफला चूर्ण। तो त्रिफला कषाय आप धावन के लिए दें, पेशेंट अगर धावन नहीं कर पाता है, रोज आपके ओपीडी में नहीं आ पाता है, तो आप नहाने के पानी में डालकर भी उसको यूज करने के लिए बोल सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसका प्रयोग करवाइएगा बिल्कुल। इसके साथ
ऐसे ही और अच्छा काम करने वाला कुछ चाहिए तो पंचवल्कल का काढ़ा बेस्ट काम करेगा। पंचवल्कल का काढ़ा कषाय आपको धावन के लिए यूज करिएगा, आपको बेस्ट काम मिलेगा। आप इसमें त्रिफला और पंचवल्कल भी दोनों मिलाकर भी दे सकते हो, मुझे लगता है और बहुत ज्यादा भी जरूरत नहीं होगी, दोनों भी काम करेंगे। फिर आप देवदार वैदिक कषाय भी यूज कर सकते हैं। कभी कभी जहां पे बहुत ही कफ चिकनाहट होती है, पिछलता बहुत ज्यादा है, तो आप सुक्त जैसे ये है ना सारे ये टाइप के है ना, मतलब छाछ तक्र वर्ग में जो आते हैं, तक्र सुक्त, इसका भी आप धावन के लिए प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैंने पान के लिए बोला वैसे ही बटर मिल्क का और सुक्त का प्रयोग आप धावन के लिए कर सकते हैं। कई बार कुछ लोग गोमूत्र से भी करवाते हैं, फिर कुछ मैंने सिंपल से अगर यूज करना है तो पानी में जो ये होती है ना, क्या बोलेंगे आप उसको, तुरटी, पानी शुद्धिकरण के लिए यूज करते हैं फिटकरी, तो इस फिटकरी का भी घोल बनाकर आप तो लोकल स्थानीय चिकित्सा के रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं, वो भी काफी अच्छे से काम करेगा। मैं सजेस्ट करूंगी कि धूप यहाँ पे धावन के बाद धूपन का प्रयोग करें। धूपन आपको जो भी अवेलेबल है लाइक गुल है, राड़ है, जो भी सारे सुगंधित द्रव्य और रक्षोघ्न के जो द्रव्य आते हैं ना, अगरू वगैरह, जो हम लोग धूप या जो अगरबत्ती जलाते उसमें जो सारे द्रव्य होते हैं, राड़, खदीर, कुष्ठ वगैरह, उसमें जो भी अवेलेबल हो उसका पेशेंट को धूपन करवाइए। अगर आप धावन करके धूपन यूज करती है तो फिर कंडू भी कम होगा और चिकटपना यानी पिछिलता, स्त्राव और इन्फेक्शन, क्योंकि धूपन, देखिए हमने धूपन का मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था, आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगा कि धूपन ये कई प्रकार से काम करता है। इट्स हैविंग अ एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी, तो धूपन ये व्रण रोपण का बेस्ट उपाय है। आयुर्वेद में कोई हम लोग व्रण की चिकित्सा कर रहे हैं तो केवल हमारे पास ऐसे एलोपैथी में केवल एंटीबायोटिक्स होते, बट हमारे पास तो कई सारे उपाय है। हम लोग कई सारे काढ़ों का धावन कराकर अगर धूपन करें व्रण को, यानी व्रण को रक्षोघ्न चिकित्सा, धूपन यानी रक्षोघ्न चिकित्सा, तो यहाँ पर भी आप धावन के बाद अगर धूपन का प्रयोग करें तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि फिर अच्छा पेशेंट को जल्दी आराम मिल जाएगा अगर आप इस प्रकार से करते हो। स्थानिक चिकित्सा में फिर आप टैम्पॉन्स का प्रयोग कर सकते हैं, पीचू का प्रयोग कर सकते हैं। पीचू में हमें ऐसे द्रवों का प्रयोग करना है, जैसे यहाँ पे कफ संप्राप्ति है, स्निग्धता, पिछिलता बड़ा है, तो स्तंभन, कषाय, शोषण करने वाले, इस क्लेप को शोषित करने वाले द्रव्यों का प्रयोग करें, जिसमें थोड़ी रुक्षता हो, थोड़ी कषायता हो, जैसे कि उदुम्बर है और मूषक है, दशमूल है, तो इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो उदुम्बर आदि का पीछू रखिएगा। जहां पे कंडू है और ये लाइक बहुत थोड़ा सा इन्फेक्शन भी ज्यादा हो तो करंज तेल का भी पीछू यूज कर सकते हैं। फिर अगर एल्डरली महिला हो थोड़ा सा तो उसमें मूषक तेल का भी पीछू काम करेगा। और फिर आप काढ़े का भी रखते हैं पीछू, बट ज्यादा प्रैक्टिस्ड नहीं है काढ़े का पीछू लगना, तेल का ही ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाता है। इसमें ही कुछ केसेस में मैंने देखा था कि धातक आदि तेल का भी बहुत सुंदर काम होता है, धातक आदि तेल का पीछू भी काम अच्छे से करता है। तो बिल्कुल इस प्रकार से धावन के बाद धूपन और फिर आप टैम्पॉन्स का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें वर्ती का भी काम बहुत अच्छा होता है, वर्ती जैसे ये होती है ना, इट्स लाइक एक छोटी सी ये जो हम लोग ये बनाते हैं रुई का फाया जो होता है ना, उसी टाइप में ये वाती होती है ना, वाती के जैसे ही जो पूरी अच्छे से वजाइनल एरिया का साइज के हिसाब से बनाई गई होती है। एंड इस वर्ती तो रेडीमेड आपको मिल जाती है आजकल, तो वर्ती में भी पिपल आदि वर्ती, फिर धातक आदि वर्ती, निम्बादी वर्ती और पलाश वर्ती, ऐसी वर्ती का प्रयोग आप घर में भी बना सकती है वर्ती। तो इसका आप लोकल एप्लीकेशन, जैसे पीछू हम लोग रखते हैं ना टैम्पॉन्स आधे घंटे के लिए, जैसे पेशेंट आधा घंटा 45 मिनट्स जब तक पेशेंट उसको सहन कर ले, रख ले, तब तक उसको आप बता सकते हैं। वैसे भी वर्ती का भी आप वही प्रकार से उपयोग कर सकती है, इसमें वो भी काफी अच्छे से काम करेगा। इसमें फिर मेंटल पीस और बाकी सारी जो फॉलो करनी है आपको लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, उसका भी काफी रोल रहेगा, यानी डोज एंड डोंट, लाइक कैसे किस प्रकार से क्या करना है, कुछ प्राणायाम, योगासन, पेशेंट अगर डिस्टर्ब है, इरिटेट है तो उसको कैसे ख्याल करे, उसका स्ट्रेस लेवल कैसे रिड्यूस करे, वो भी हम लोग विचार जरूर करें इसमें, एंड वो भी इम्पोर्टेंट रहेगा। फिर सिंपली जैसे अगर आप शुंठी सिद्ध जल है, घर के घर में ही
शुंठी सिद्ध जल बनाकर भी पेशेंट को दे देते हैं ना, तो आम का पाचन अच्छे से होता है। फिर आप जीरकाद्यारिष्ट का प्रयोग कर सकती है। कुछ आपके पास प्रोप्राइटरी भी कल्प आते, बहुत सारे कल्प आते, गायनोविन करके सिरप आता है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। हरित की चूर्ण शहद के साथ भी देना, ये श्वेत पदर की एक अच्छी चिकित्सा मानी गई है, बहुत उसका भी बहुत अच्छे से उपयोग होता है। एंड शुंठी का मैंने क्यों बताया, जैसे ये दीपन पाचन भी करेगा और शुंठी उष्ण गुण की है तो कफ का शमन भी हो जाए। वैसे आप पंचकोल आसव, पंचकोल का चूर्ण, पंचकोल का कषाय, ये भी आप उपयोग में ला सकते हैं। अभी देखिए, जैसे हमने कारणों का विचार किया, इसमें अगर कोई पेशेंट की हिस्ट्री रही हो मल्टीपल पार्टनर्स की या कोई डिसीज की, एडीआरएल पॉजिटिव हो, तो यहाँ पे हमने शिलाजीत वटी, त्रिफला गुगुल, सूक्ष्म त्रिफला, ऐसे कल्पों का भी विचार जरूर करना चाहिए। फिर आप इसमें थोड़े सुवर्ण कल्पों का भी प्रयोग कर सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं धातु बल को काम करना, एक बार आपका स्त्राव कम हुआ, अगर पेशेंट एनिमिक है तो वहां पे एनिमिया के काम करे, यानी रसायन चिकित्सा करे, फिर रसायन ग्रहण, धातु क्षय, दुर्बलता, और ऐसे अगर आपको लक्षण मिल जाए, एसोसिएटेड हेतु और व्याधि क्या है इसको देखकर आपने एक बार राइट डिस्चार्ज पर कंट्रोल कर दिया, तो फिर आप आगे रसायन चिकित्सा की तरफ बढ़ेंगे, यानी गृहन चिकित्सा करेंगे इसमें, है ना, तो एक अच्छा परिणाम हमें मिल जाता है इसके साथ। तो मेरे विचार से ना केवल इंटरनल मेडिसिन के साथ, बट आप इस प्रकार से स्थानिक चिकित्सा का प्रयोग करेंगे तो ज्यादा रिजल्ट मिल जाता है। एक तो जीवक प्लस करके भी आता है, मार्केट में मिल जाएगा, जिसमें अशोक बला एंड सुपारी पाक भी है। सुपारी का भी आपको कषाय के रूप में, क्योंकि सुपारी ना बहुत अच्छे से थोड़ा स्तंभन काम करती है, जैसे हम सुपारी ज्यादा खाते तो भी जिह्वा जड़ हो जाती है ना, बोलने नहीं आता है ठीक से, इसी प्रकार से सुपारी पाक भी दे सकते हैं जहाँ पे मैरिड पेशेंट है और रिलेटेड इनफर्टिलिटी या कुछ रिपीटेड अबॉर्शन की वगैरह हिस्ट्री रही है, कंस्यूम नहीं हो पा रही है, तो सुपारी पाक दीजिएगा। वो धातु बल और शुक्र धातु का भी करेक्शन करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो इस जीवक प्लस में अशोका बला, लोद्र, सुपारी और मोचरस जैसे है, इसमें मुक्ता पिष्टि वगैरह भी डाली गई, मुक्ता शक्ति भी है, वो भी काम बेस्ट करती। फिर हिमटोन फोर्ट है, आप प्रद्रांतक चूर्ण, प्रद्रांतक लोह, ऐसे भी काम कर सकते हो। एंड पेशेंट को सिंपल खाना जिसमें थोड़ा कषाय गुण हो, या फल भी आप सजेस्ट करेंगे तो पटोल, कुष्मांड एंड षष्टिक चावल अगर मिल जाए तो वो खाने में रखे, दूधी की सब्जी है और करेले की सब्जी है, ऐसे सब्जियों का मुदक का यूज है, ऐसा प्रयोग करें। और पिष्ट अन्न यानी भिगोया हुआ खान पान, इडली डोसा, साउथ इंडियन डेयरी प्रोडक्ट्स, और दिन में सोना, रात्रि में जागरण, व्यायाम अधिक करना वगैरह वगैरह, ये सारा वहां पर अवॉइड करें पेशेंट को। और पेशेंट की मानसिक स्थिति इंप्रूव करने के लिए जो भी सुटेबल हो ऐसे आप उसको व्यायाम जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि व्यायाम का निश्चित रूप से यहाँ पे रोल रहेगा। सो आई थिंक इस प्रकार से बहुत सारे हैं, मैं एक एक बताऊंगी आपको कि क्या क्या हम लोग यूज कर सकते हैं, और भी कुछ कल्प मेरे पास है उसका भी मैं यहाँ पे आपको बता दूंगी कि किस प्रकार से हम लोग इसमें चिकित्सा कर सकते हैं। आरक बधादि चूर्ण भी धूपन के लिए यूज कर सकती है आप। तक्र, गोमूत्र और त्रिफला का काढ़ा से भी धावन कर सकती है, वो भी काफी अच्छा काम करेगा। पिपल आदि वर्ती है उसका प्रयोग कर सकती है। त्रिफला, जम्बू, धातकी और रोहितक मूल इसका भी यूज कर सकती है चूर्ण के रूप में। फिर मैंने आपको जो वसंत कल्प या सुवर्ण कल्प की बात मैंने बताई थी ना, उसमें लघु मालिनी वसंत का बेस्ट रोल है। आपको मैंने सुपारी पाक सजेस्ट किया था, आप उसमें कुग पाक भी मिलता है वो भी यूज करें। पिपली रसायन भी यूज कर सकते हैं, सुवर्ण मालिनी वसंत कर सकते हैं। फिर भस्मों की बात करेंगे तो जहर मोरा भस्म, जहर मोरा पिष्टि, जसद भस्म, इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसे सभी प्रयोग करते अगर हम लोग इस प्रकार से श्वेत स्त्राव की बात कर रहे थे तो उसमें मुझे लगता है काफी अच्छे से आराम मिलेगा। यस मैम बताइए, चलिए अभी हम लोग डिस्कशन करते हैं और फिर काफी और भी कुछ कल्प है मेरे पास, तो सारे जो कॉम्बिनेशन है उसको भी मैं बताती हूँ। एक इसमें हमने इसमें भी पढ़ा है, योग रत्नाकर आचार्य ने भी बताया कि केला का प्रयोग करें, और केला अम्ल की चूर्ण, केला आप लीजिएगा, केले को फोड़कर उसमें अम्ल की चूर्ण डालकर पेशेंट को खाने को दीजिएगा। इसमें मिश्री डाल सकते हैं और इलायची डाल सकते हैं, इलायची भी काफी अच्छी मानी गई है। तो दिन में 3 से 4 बार केला खाए। आई थिंक केले का उपयोग क्यों करना है इसको लेकर, एनीमिया जन्य अगर कोई ब्रदर है जिसमें केला में जिंक, मैग्नीशियम
और सारे जो मिनरल्स होते काफी अच्छे प्रमाण में पाए जाते हैं, इसीलिए केला खाना और केला और मक्खन, केला अम्ल की चूर्ण, ऐसे योग रत्नाकर आचार्य ने भी इसी प्रकार से श्वेत प्रदर के लिए बताया है। सो आई थिंक ये मैंने मेरी तरफ से बताया है। चलिए अभी आगे हम लोग डिस्कशन के रूप में प्रयोग करते हैं, बट मेरे विचार से मैंने तो ज्यादा से ज्यादा अभी तक जो भी ट्रीटमेंट फॉलो की है उसमें मैंने 5 दिन का दीपन पाचन करवाया, फिर थोड़ा अनुलोम। अगर आप पूरी शास्त्रोक्त विरेचन नहीं कर सकते हैं लाइक स्नेह पान कराकर, तो अविपत्ति का चूर्ण दीजिएगा, 7 दिन का हल्का सा पेशेंट का विरेचन हो जाएगा, जो भी दोष अगर बढ़े वो भी निकल जाएंगे। फिर आप आरोग्य हरदेवी चंद्रप्रभा और लोकल चिकित्सा बता दीजिएगा। अगर लड़कियां हैं तो जो सारी बातें हैं हाइजीनिक कंडीशन से लेकर बाकी सारी जो बातें हैं, कभी कभी सेक्सुअल थॉट्स के कारण भी डिस्चार्ज होता है लड़कियों में, तो वो भी समझा दीजिएगा। मेंस्ट्रुएशन के पहले होना भी सामान्य है, बाद में होना भी सामान्य है, गर्भिणी अवस्था में भी होना सामान्य है। अगर आपको श्वेत प्रदर के साथ बहुत भयानक इचिंग है, अनकंफर्टेबल लग रहा है, या मतलब पैड वगैरह का इस्तेमाल करने पड़ता है, तो वहां पर जाकर आप ये करिएगा। और अगर बहुत ही सिंपल सा है तो उसको थोड़ा सा मतलब निकाल दीजिएगा दिमाग से, और हाइजीन एंड हेल्थ कंडीशन को मेंटेन रखिएगा, तो अल्टीमेटली फिर दूसरी कोई ज्यादा ट्रीटमेंट की आपको जरूरत नहीं पड़ेगा मेरे विचार से। बोलिए संपदा जी। नमस्ते, सभी को नमस्ते, बोलिए मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, बोलिए मैडम। वजाइनल वॉश देतात ते किती दिवस द्यायचं? 7 दिवस 15 दिवस डिपेंड्स अपॉन द कंडिशन, पण किमान 7 दिवस, 7 डेज तो भी देना पड़ेगा कम से कम, है ना। किती ml द्यायचं? 200 ml पर्यंत साधारण, 200 एक साधारण आपण काय म्हणून जे 200 ते 300 तरी किमान लागेल, तेवढं तरी काढा बनवावंच लागेल, म्हणजे ते ऍटलीस्ट त्याचा काहीतरी इफेक्ट तरी व्हायला पाहिजे ना, तेवढं आपण त्याच करू। तुम्ही करता धावण करता मॅडम? एवढी धावण मी केलं तर पेशंट जास्त म्हणजे तयार होत नाही, कोऑपरेट करत नाहीत, हा तयार होत नाहीत, आणि ते जरा काढे वेळे करायचं म्हणलं की वेळ जातो। ऍक्च्युली कसं भरत चूर्ण जर भिजू घातलं 5-6 घंटे के लिए भिगो कर रखा और बाद में मतलब करे थोड़ा सा उबाल देंगे तो जल्दी बन जाता है, भिगो कर रखकर भी बनाया जा सकता है ना। कषाय गुण का उपयोग बहुत अच्छे से होता है, जहां पे कोई व्रण की संप्राप्ति मिलती है ना, अगर कोई मार्क है इरोजेनिक है और वहां पे डिस्चार्ज भी हो रहे तो जात्यादि तेल बेस्ट काम करेगा। जात्यादि तेल रोपण का काम करता है ना, तो जात्यादि तेल का पीछू रखिएगा वहां पर। यस मैम, बोलिए लीना जी, अर्शिया जी। मैडम इन्फेक्टिव फोकस असेल तर एंटीबायोटिक्स म्हणून आयुर्वेदिक कुठलं वापरू शकतो? कुठलं मॅम? इन्फेक्टिव्ह फोकस असेल तर सूक्ष्म त्रिफला, सूक्ष्म त्रिफला द्यायचं, सूक्ष्म त्रिफला आणि लघु मालिनी वसन। किती दिवस द्यायचं? सूक्ष्म त्रिफला किमान 21 डेज द्यायचं, आणि लघु मालिनी वसन तर तुम्ही कंटिन्यू 3 महिने द्या, काहीच प्रॉब्लेम नाही। त्याचे डोसेस तो लघु मालिनी वसन 250 मिलीग्राम बीडी बीडी। रिकरंट जरी वजायनायटिस असेल तरी सुद्धा हेच ट्रीटमेंट? रिकरंट वजायनायटिस असेल ना तर थोडस इन्व्हेस्टिगेशन करायला लागतील, पण वजायनायटिस मध्ये मग थोडं लोकल चिकित्सा केलेली बरी राहील। मॅम गुड इव्हनिंग। गुड इव्हनिंग, बोलिए बोलिए मैम। लोकल एप्लीकेशन या लोकल वॉश के लिए स्फटिक भस्म? हाँ कर सकते हैं मैम, इसके गुड रिजल्ट्स मिले हैं इसके साथ, जैसे आपने बताया है पुष्यानक चूर्ण तंडुलोदक के साथ में, और पुग खंड सुपारी पाक। मैम सौभाग्य शुंठी पाक का भी यूज किया जा सकता है? यस, सौभाग्य शुंठी पाक कहाँ पे यूज करेंगे? सूतिका अवस्था में, सूतिका जन्य ल्यूकोरिया है ना, तो सौभाग्य शुंठी पाक बहुत है, क्योंकि सौभाग्य शुंठी पाक ये स्तन्य स्त्राव को भी बढ़ा देता है, इसमें जीरक वगैरह है ना, तो इसीलिए वहां पे वो अच्छा काम करेगा। ओके मैम, अशोकारिष्ट पतरंगासव और रौद्रासव तीनों कॉम्बिनेशन में मिला के 20 ml यूज करना है? यस, तीनों नहीं, दो कॉम्बिनेशन,
अगर आप 3 ले रहे हैं तो 30 ml तक जाइए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है मैम। हाँ। दशमूल अरिष्ट पित्तज व्याधियों में अवॉइड करना है ना, थोड़ा सा ना क्या करेंगे उसको थोड़ा डाइल्यूट करके यूज करेगा मैम, ज्यादा डाइल्यूट मैम सारे आसव अरिष्ट तो मैं डाइल्यूट करके ही यूज करवाती हूँ, पर पित्तज व्याधियों में क्या इसको अवॉइड करना है? ऐसा तो मुझे तो कुछ नहीं लगता कि पूरे तरीके से हम लोग अवॉइड करें ना, कि थोड़ा सा तो प्रयोग कर सकते हैं आई थिंक। आप नाक सिंपल नागकेशर और रोहितक मूल का भी यूज कर सकती है, नागकेशर रोहितक मूल, नागकेशर और रोहितक मूल, रोहितक मूल। मैम एक सिंपल एक बता देती हूँ मैं, घर में खाने की मसूर की दाल होती है ना, मसूर की दाल, मसूर की दाल ऑरेंज ऑरेंज दाल ऑरेंज वाली होती है ना, तो उसको क्या करना है आपको, अच्छे से उसको गरम कर ले, सेक ले और फिर उसका ये बना दे, मतलब उसको ये करें हम लोग पाउडर बना ले, और इस पाउडर के साथ तो शुगर मिलाकर खाना ये आप कम से कम 40 दिन तक करिएगा, ये बेस्ट माना है। एक तो मेरे पास अद्भुत जो मतलब सारी ऐसी ये होती है ना नुस्खे फॉर्मुलेशन होते हैं ना, उसमें से मैंने देखा तो ये एक अद्भुत उन्होंने बताया है। मैम हम इसमें डोज कितना ले सकते हैं पाउडर का, जो 4 to 5 ग्राम सफिशिएंट होगा ना मसूर दाल का? हाँ जी मैम, पाउडर बोल रही ना? हाँ हाँ हाँ, नहीं थोड़ा सा ज्यादा लेंगे, लाइक तो एक मतलब पाव कटोरी कम से कम होनी चाहिए, हम लोग खाएंगे ना इसको तो पाव कटोरी तो खानी चाहिए। मैम उसका क्या सूप बनाना है? नहीं ऐसे ही खाना है, शुगर के साथ मिलाकर खाना है। मसूर की दाल का पाउडर ना लड्डू बनाते हैं ना बेसन का वगैरह लड्डू बनाते हैं ना आटे का, तो बस वही है मिक्सर में मतलब आप इस पीस कर इसको खाने को लगा दीजिए पेशेंट को मिश्री के साथ। फिर हम ड्राई फ्रूट्स सकते हैं जैसे मखाना है, खजूर है, खारक है, ये भी अच्छा काम करेगा। हाँ जहाँ पे धातु क्षयजनित संप्राप्ति वहां पर ये काम करेगा। जी जी मैम, जैसे मखाना डायबिटिक पेशेंट में भी दिया जाता है तो ये कफज रोगों में भी अच्छा काम करेगा ही ना? आजकल मखाने का बहुत ज्यादा चल रहा है, ये खा रहे बहुत सारे लोग, दे सकते हैं। हाँ मैम इसमें ना जैसे मैंने बनाना का बताया, केले का बताया, तो केले के साथ आप घी भी ले सकती है, केले के साथ घी भी। घी? हेलो मैम, केले के साथ घी यूज करना है? यस यस। हेलो हाँ जी मैम, यस धातु क्षयजन्य संप्राप्ति के लिए बेस्ट रहेगा ये। यस बोलिए मैम। हाँ जी मैम, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बोलिए। हाँ जी मैम, मैम जैसे आपने अभी केले के साथ घी कहा, हम मैम केले के साथ शुद्ध फिटकरी ना, फिटकरी को शुद्ध करके वो भी देते हैं मैम, उससे भी लिकोरिया में बहुत आराम मिलता है। अच्छा हाँ जी, 2 पिंच डाल के ना सेंटर में। कितनी मात्रा में देते हैं? कितनी मात्रा में देते हैं? जैसे 1/4 स्पून मैम, 2-3 चुटकी मैम, उसी में केले में ही बीच में ना कट लगा के डाल के, तो उससे बड़ा आराम मिलता है मैम। कितने दिनों तक दिया आपने? मैम जैसे 21 दिन दिया मैंने एक लेडी को, वो पतली थी, वात पित्त की पेशेंट थी, तो उसको ना बहुत राहत मिली थी, ठीक हो गया। बाद में बाकी कुछ दिया था इंटरनल मेडिसिन? जैसे मैं शतावर भी दिया था साथ में। अच्छा, इसमें ना दाढ़िम का भी अच्छा रोल रहेगा, क्योंकि दाढ़िम भी कषाय है ना, स्तंभन का कार्य करता है, तो दाढ़िम की छाल को भी आप पाउडर के रूप में या धावन के इसमें डाल सकती है। ठीक है मैम। एक अभी डाला है हमारे डॉक्टर मैडम ने डाला है कि सिंस अप्रैल एंड मई मंथ मेनी पेशेंट्स केम विद वाटरी वजाइनल डिस्चार्ज, इट इज नॉट येलो नॉट स्टिकी नॉट स्मेली नो इचिंग बट ऑलवेज फील डिस्कम्फर्ट टू पेशेंट समटाइम्स बर्निंग मिचुरेशन with that, so what we have to do, astamban or only pitta shaman, batai vaginal discharge ke patient kaafi aa rahe hai, zyada smell nahi hai, not itching bhi nahi hai, but patient ko discomfort ho raha hai and kabhi kabhi burning micturition, to I think isme hame pehle pitta shaman kare, kyunki burning micturition hai to nishchit roop se abhi dhoop kaal hai to iske sath ye samasya ho sakti hai,
और बर्निंग मिक्चुरेशन यानी थोड़ा कभी हम इन्फेक्शन का भी विचार करें। पेशेंट की एज बताइए दीप्ति जी। यस मैम बताइए। लीना डॉक्टर ईचा जी नमस्कार। मैम इसमें ना वटा 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 दी गन जो है इसका बेस्ट रिजल्ट आता है। मैम बर्निंग मैच्यूरेशन के साथ ल्यूकोरिया। हाँ मैम काम दुधारस। यस वेरी गुड। अच्छा और कौन सा काम दुधा और लघु सूत शेखर। मैम लघु सूत शेखर ओके। जीरक आद्य अरिष्ट का भी यूज हो सकता है। जीरक आद्य अरिष्ट बता रही है डॉक्टर दीप्ति। जीरक आद्य अरिष्ट ओके। और मैम इसमें देखिए ना पित्त शमन ये और बर्निंग मिक्चुरेशन तो थोड़ा अनुलोम करने का। चंदन आसन उसीन आसन यस वो भी चलेगा। अनुलोम भी करे क्या थोड़ा अनुलोम अविपत्ति कर शुर। या ओके मैम पंचवल्कल क्वाथ से धावन भी कर सकते हैं। यस दे सकते हैं। और मैम गोक्षुर या वरुणादि कषाय भी यूज हो सकता है। हो सकता है। मैं नीम के पानी से भी वॉश कर सकते हैं। नीम हाँ मैम निम्बादि का तो बेस्ट ही रिजल्ट आएगा। निम्बादि कषाय आप पान के लिए भी दे और नीम का पानी भी आप धावन के रूप में भी यूज कर सकती है। और पका हुआ केला आप आंवले के साथ भी दे सकती है। और मैंने छाछ का जैसे बताया ना छाछ में नाग केसर मिलाकर। अच्छा घृतपान कौन सा घृत यूज किया दीप्ति जी। घृतपान और कुशानु चूर्ण। ठीक है मैम आप इसमें ना थोड़ा सूक्ष्म त्रिफला भी दीजिएगा डॉक्टर दीप्ति एंड फिर लघु मालिनी वसंत भी ऐड करिएगा। और जैसे मैडम ने बताया काम दुधा रस भी काम करेगा क्योंकि लोकल अगर कोई इन्फ्लामेशन की कंडीशन है तो काम दुधा से काम मिलेगा आराम मिलेगा इसको। आप खजूर की बात कर रही थी ना मैम आई थिंक डॉक्टर लीना जी ने किसी ने तो बताया ना खजूर खाना तो बिल्कुल आपको ना बट खजूर कैसे खाना है खजूर को भिगो कर खाइएगा। खजूर को पानी में भिगो कर सवेरे खा दीजिएगा। और कुछ लोग ना जैसे मैंने देखा पुराने जमाने में खजूर को घी में भिगो कर रखा करते थे। घी में मैम। हाँ मैंने देखा है घी के साथ वो हेल्दी मतलब इसके लिए स्टामिना के लिए बहुत अच्छे से जैसे ठंडी के दिनों में ज्यादा चलता था घी में खजूर भिगो कर खाना। बेस्ट ही है ना उसमें क्या मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। मैम आजकल जैसे औज लड़कियों का ना बहुत कम हो रहा है 32-34 की एज में ही। मैम उसके लिए भी एक सेशन लीजिए ना भी। कौन सा मैम क्या क्या रिपीट करिए। औज मैम औज जैसे लड़कों में शुक्र धातु होता है ना और लड़कियों में औज धातु बहुत कम हो रहा है मैम बहुत केस आ रहे हैं। क्या मतलब लक्षण क्या लेकर आती है बताइए। मैम जो जैसे कह रहे हैं भी हमारा सेक्स के लिए भी मतलब बिल्कुल मन नहीं करता उखड़ी सी रहती है गुस्सा ज्यादा आता है और नरिशमेंट बिल्कुल नहीं होती मैम बॉडी में। फ्रिजिडिटी 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 कहेंगे इसको। हाँ जी ठीक है कल बात करते हैं इसके लिए है ना कल के सत्र में फ्रिजिडिटी को लेकर एक्सक्लूसिव। हाँ जी मैम। और स्किन भी मैम डल हो जाती है ना मैम उससे बॉडी की अगर ये बना रहता है तो स्किन भी अच्छी रहती है ना तो ग्लो भी खत्म हो जाता है उनका मैंने वो भी देखा है। हाँ मैम वो तो जैसे एक नेचुरल अर्ज है ना शरीर का तो वो तो जी जी वो तो मतलब उस हिसाब से आज के जमाने में ना क्या है लोगों का जो रुझान है वो अलग अलग चीजों की तरफ बढ़ा है यानी करियर सेल्फ कंसंट्रेशन उनके गोल्स और एम्बिशंस अलग हो गए तो इसीलिए फिर ये जो एक मतलब ये है ना वैवाहिक जो दाम्पत्य जीवन है इसके लिए थोड़ा सा ऐसे समस्या हो रही है। हर जगह मैं भी देख रही हूँ ऐसे प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा चल रहे हैं पता नहीं आई डोंट नो बट जैसे आपने अच्छा सजेस्ट किया एक फ्रिजिडिटी करके भी ये डिसीज होता है तो इसके लिए ये हमें विचार करना पड़ेगा। और मैम जैसे इसमें ना भूई कोवला यानी भूम्याम्लकी या आपकोवला का जो कुष्मांडवले है ना उसका भी यूज कर सकते हैं। कुष्मांडवले कैप्सूल या भूनिम्बादी काढ़ा। यस भूनिम्बादी का भी अच्छा रोल रहेगा। भूनिम्बादी का यूज करें जहां पे लाइक धातु क्षयजन्य अवस्था हो
वहां पर आपको जीवनी गण के द्रव्य, विदारी गंधा है, शतावरी, अश्वगंधा ऐसे डालकर उसका पाक या सिद्ध क्षीर पाक बनाकर दे सकती है। त्रिवंग भस्म भी जो शिथिलता है ना, वजन एरिया की शिथिलता के लिए ये अच्छा काम करेगा। अब कंडू के लिए, अब मैंने मुझे लगता है कंडू के लिए तो करंज तेल का रोल अच्छा रहता है मैम, लोकल एप्लीकेशन में। यस, करंज तेल का पीचू। और इसमें फिर धावन भी काम करेगा, करंज के, करंज से ही? हाँ नहीं, इससे पंचवल्कल का धावन। मैम शिथिलता के लिए त्रिवंग भस्म जो आपने कहा है, शिथिलता त्रिवंग को कुशानुक चूर्ण के साथ दीजिएगा शिथिलता के लिए। मैम इसका डोज क्या रहता है त्रिवंग भस्म का? 150 मिलीग्राम दीजिएगा। फिर जैसे ना अगर बहुत ही ज्यादा पेशेंट ओवर मतलब ज्यादा सेक्सुअल का मतलब उसमें हिस्ट्री रहा हो तो उसमें फिर रसायन चिकित्सा करनी पड़ेगी, लाइक फिर मकर ध्वज, ब्रह्म रसायन ऐसे आप कर सकते हैं। उसके कारण भी कई बार इन्फेक्शन है, डिस्चार्ज होता है। ब्रह्म रसायन का डोज क्या रहना चाहिए? किसका मैम, किसका? मैम ब्रह्म रसायन, जैसे आपने कहा कि मकर ध्वज और ब्रह्म रसायन दिया जा सकता है, तो ब्रह्म रसायन 250 मिलीग्राम देंगे। मैम ब्रह्म घृत भी आता है? ब्रह्म घृत आता होगा, ब्रह्म घृत। मैम सुकुमार घृत भी यूज किया जा सकता है? सुकुमार थोड़ा, हाँ सुकुमार अलग यूज होता है, पर सुकुमार भी यूज किया जा सकता है। मैम इनफर्टिलिटी के पेशेंट में, जैसे अभी मैं ट्रीटमेंट में दे रही हूँ चंद्र प्रभावटी, दशमुलारिष्ट, आमल की चूर्ण, और उसमें मैंने पुष्यानुग और पुग फल भी, पुग खंड भी यूज करा है। मैम लघु मालिनी वसंत मैं नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट करना चाह रही थी। अच्छा। तो मैम इनफर्टिलिटी में वर्क करेगा लघु मालिनी, या जैसे अभी तक मैंने? नहीं, दे दीजिएगा मैम, एक महीने का चला दीजिएगा, अच्छा रहेगा। लघु मालिनी ओवरऑल ना हेल्थ इश्यूज के लिए अच्छा रहेगा, मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ इम्प्रूवमेंट के लिए अच्छा रहेगा। एक्चुअली पेशेंट ओबेस है और पर अभी तक कोई रीजन समझ नहीं आ रहा है इनफर्टिलिटी का, कॉज कुछ समझ अच्छा। नहीं आ रहा है, तो मैंने उनको दशमुलारिष्ट स्टार्ट किया है। मैम डिसमेनोरिया का इशू उनको काफी रहता है, और पहले फ्लो नहीं होता था, मेंस्ट्रुअल फ्लो रेगुलर नहीं था, अभी उनको चेंजेस आया कि मेंस्ट्रुअल फ्लो थोड़ा रेगुलर हुआ है, प्रॉपर हो रहा है, और डिसमेनोरिया का इशू वैसा ही है। मैम रजा प्रवर्तनी वटी मैंने उनको कहा है कि नेक्स्ट पीरियड से पहले 5 days पहले आप स्टार्ट कर लीजिएगा। अच्छा मैम देना चाहिए डिसमेनोरिया के लिए रजा प्रवर्तनी वटी? आई डोंट थिंक, फिर आप कुबेराक्ष का प्रयोग करिएगा, फिर लाइक डिसमेनोरिया के लिए दशमुलारिष्ट, फिर जीरकाद्यारिष्ट ऐसे अच्छे। फिर मात्रा अगर पेशेंट को बस्ती बस्ती अगर प्रिफरेबल है ना मैम, तो मात्रा बस्ती दीजिएगा आप ना पेशेंट को डिसमेनोरिया के लिए, ना 7 days पहले मात्रा बस्ती का प्रयोग बहुत बेस्ट रहेगा। क्या बोला मैम? तो डिसमेनोरिया ये कष्ट। हेलो, यस मैम, कष्ट आता के लिए जैसे मैं रजा प्रवर्तनी या फिर शंखवटी और कभी कांचन फूल का भी यूज करती। अच्छा कांचन आता क्यों करती है, क्या मैम? अगर पेशेंट्स को क्लॉट्स वाला इशू है, पेनफुल या स्पास्मोडिक मेम्ब्रेनियस डिसमेनोरिया का इशू है पेशेंट को, कि क्लॉट्स जैसे ही रिमूव होता है तो पेशेंट का पेन रिलैक्स हो जाता है। अच्छा तो मतलब कषाय उनके कारण कांचन है कि? हाँ, जी जी अच्छा ठीक है। ग्रंथिरज फॉर्मूला दीजिए ना मैम फिर। हाँ ग्रंथिरज भी है, ग्रंथिरज का योग है ना वो, पाठा इंद्रिय और त्रिकटु वाला। मैम कौन सी मेडिसिन बोले? ग्रंथिरज का योग आता है वो, उसमें पाठा है, इंद्रिया है और त्रिकटु है। ग्रंथिरज फॉर्मुलेशन करके है। अच्छा हाँ। ग्रंथोक्ति है वो ग्रंथिरज के लिए। गुड इवनिंग मैम। हाँ गुड इवनिंग, बोलिए मैम, बोलिए। नमस्ते।
जैसे किसी को मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10-15 दिन पहले से बहुत स्वेलिंग, ब्रेस्ट में बहुत स्वेलिंग एंड पेन होता है, तो उसको हम आयुर्वेद, बहुत ज्यादा होता है मतलब, तो उसको हम आयुर्वेद से कैसे कर सकते हैं? अच्छा मैम, ये हर मेंसेस के टाइप? हाँ मैम, हर साइक्लिक है, हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10-15 दिन पहले से स्टार्ट हो जाता है, एंड जैसे ही पीरियड आता है वो वैसे ही वो पेन भी और स्वेलिंग भी धीरे चला जाता है। मैम एक्चुअली अभी आया नहीं है केस में पास, और जस्ट इतना बोला गया है मेरे को, तो वही मैं इसके बारे में विचार करना चाह रहा था कि हम लोग एरंड तेल का मसाज एंड दशमुलारिष्ट थोड़ा वातशमन करेंगे, क्योंकि पेशेंट पैनिक लग रहा है, अगर इतना पेन हो रहा है तो मस्ट बी साइकोलॉजिकल, एंड थोड़ा सा उसके मानसिक भाव पर भी विचार करेंगे, और फिर मैं बताऊंगी फिर आपको। कुकुरमिन है, और एक आपने लोकल एग्जामिनेशन भी करके देखना पड़ेगा थोड़ा सा ना इसमें, बट सूल यानी वात का ही, तो वातशमन के ट्रीटमेंट करेंगे प्लान। तो इसमें हम क्या दे सकते हैं वातशमन, मतलब अभी आपने उसका बताया कैस्टर ऑयल का एप्लीकेशन बताया, उसे दशमुलारिष्ट देंगे, ओके, हिंगवास्त्र चूर्ण देंगे, जीरक अध्यारिष्ट देंगे, थोड़ा लाइक डाइजेशन एंड बाकी कंडीशन भी इम्प्रूव हो जाए वो भी काम, फिर उसके बाकी सारी आदतें एंड बाकी सभी कुछ थोड़ा सा हिस्ट्री लेकर, लाइफस्टाइल चेक, मतलब वो हिस्ट्री टेकिंग लेना पड़ेगा ना मैम, क्या पूरा लाइफस्टाइल एसोसिएटेड सिम्टम्स वगैरह सब कुछ देखकर ही इसमें विचार करेंगे जी। मैम उसको रेडनेस भी रहती है क्या ब्रेस्ट में? नहीं मैम, ऐसा अभी अभी हिस्ट्री देखा नहीं मैंने, देखी नहीं है, ली नहीं है, पर उसने अभी यही बताया कि 10-15 दिन पहले से पेन और स्वेलिंग काफी, मतलब उसको वरी यही है कि उसका पेन और स्वेलिंग इतना अनबेरेबल रहता है कि वही उसको चिंता है बस, इतना ज्यादा होगा ना मैम, तो आई थिंक फिर वो ये नहीं है, मतलब इट इज नॉट रिलेटेड विद मेंस्ट्रुएशन, क्योंकि थोड़ा सा कॉमन यही है कि तो कुछ ना कुछ तो आई थिंक कॉम्प्लिकेशंस होंगे ही होंगे, तो लोकल एग्जामिनेशन वगैरह करा कर ही करना पड़ेगा, इतना ज्यादा तो नहीं होना चाहिए ना। हाँ मैम, फिर कोई सजेस्ट करेंगे, मैमोग्राफी सजेस्ट करेंगे पेशेंट को ना, जरूरी है जी, हाँ। वो सजेस्ट करिएगा और प्रॉपर हिस्ट्री, फिर हम लोग डिस्कस भी करेंगे, है ना? ओके थैंक यू मैम जी, यस। तो आज आई थिंक आज के लिए फिर रुकते हैं, कल फिर जैसे आपने सजेस्ट किया कल उस विषय पर हम लोग बात करेंगे, मेरे पास काफी अच्छे से फॉर्मुलेशन भी है उसके लिए, वो भी मैं बताऊंगी, लाइक स्तंभन चिकित्सा या ऐसे ये करने की भी चिकित्सा होती है ना, उसी टाइप में है। ओके चलिए, नमस्ते सभी को, बाय मैम, और डालते रहिएगा कुछ जो भी है आपका, संपदा जी केस वगैरह होगी तो। यस मैम।